टॉप नाइन में सबसे पहले बात देश की बड़ी खबरों की करेंगे। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के नतीजे आज आएंगे। सुबह 9 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। एएमयू के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम। और विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में ममता बनर्जी की क्या है तैयारी। देश की सभी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप नाइन राष्ट्र। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के हुए चुनाव के लिए आज सुबह 9 बजे से मतगणना होगी। 20 जिलों की 280 सीटों पर नतीजे घोषित किए जाएंगे। 8 चरणों में हुए चुनाव में करीब 51% वोटिंग हुई थी। 2 दर्जन पूर्व मंत्री, विधायक और एमएलसी ने इन चुनावों में अपनी किस्मत आजमाई है। राज्य से अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार वोटिंग हुई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मतगणना की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। बीजेपी को भी इन चुनावों में बड़ी उम्मीद है। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री एक विशेष डाक टिकट भी जारी करेंगे। एएमयू के छात्र नेता नदीम अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन करेंगे। रामानुजम की जयंती के अवसर पर आज से शुरू होकर ये 25 दिसंबर तक चलेगा। फेस्टिवल की थीम साइंस फॉर सेल्फ ट्रस्टेड इंडिया और ग्लोबल वेलफेयर है। साइंस फेस्टिवल के लिए 60 देशों से 632 कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव एंट्रीज मिली। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ बर्दवान में पहली रैली में शामिल होंगे। इस दौरान कई टीएमसी नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राज्य में चुनाव को देखते हुए पदयात्रा निकाली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जल्द ही विपक्षी दलों के नेताओं के साथ कोलकाता में एक बड़ी रैली करने की तैयारी कर रही हैं। रैली में अरविंद केजरीवाल, स्टालिन, शरद पवार और कई क्षेत्रीय नेताओं को बुला सकती हैं। ममता ने बीजेपी को चीटिंग बाज पार्टी करार देते हुए कहा कि गृहमंत्री बंगाल को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच शह और मात का खेल जारी है। बिशुपुर से बीजेपी सांसद सोमिन खान की पत्नी सुजाता ने टीएमसी का दामन थाम लिया। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के चुनाव प्रचार के दौरान ममता सरकार ने सुजाता के बांकुरा इलाके में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। राजनीति की वजह से बीजेपी सांसद सौमित्र का पारिवारिक झगड़ा सामने आ गया। पत्नी सुजाता के कदम से आहत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़े। पत्नी पर भड़के सौमित्र ने कहा कि मैं सुजाता को तलाक का नोटिस भेजूंगा। वो भी चला गया, ऐसे वो मेरे लिए डेथ हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में वोरा को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने भी शोक जताया है। वोरा का अंतिम संस्कार छत्तीसगढ़ के दुर्ग में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी अंत्योष्टि में शामिल होंगे। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।